जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल बड़ी स्वागत करता हूं आप लोगों का आज एक नए कंटेंट, एक नए सफर की ओर। दोस्तों आज मैं आप लोगों से आध्यात्म की भूमि, आध्यात्म वाले शहर के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस को शेयर करने वाला हूं, जो कि है दोस्तों ऋषिकेश। दोस्तों ऋषिकेश एक बहुत ही आध्यात्मिक जगह है और साथ ही साथ में अपने पर्यटन के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित है, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में इसी जगह के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ताकि जब भी आप लोग ऋषिकेश की यात्रा पर जाएं तो आप लोगों को पहले से आइडिया हो कि आप लोगों को कौन कौन सी जगह पर एक्सप्लोर करना है, कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस को आप लोगों को देखना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। दोस्तों सबसे पहला जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ऋषिकेश में, वो है दोस्तों ऋषिकुंड। यह एक प्राकृतिक गर्म पानी का तालाब है, जिसे शहर में एक पवित्र जल निकाय माना जाता है। मान्यता है कि यमुना नदी के आशीर्वाद के बाद एक ऋषि ने इस तालाब को पानी से भरा था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुंड में स्नान किया था और इस स्थान पर गंगा और यमुना एक दूसरे से मिलती है। इस तालाब में स्नान करना अपने आप में काफ़ी सुकून भरा होता है। यही कारण है कि ऋषिकेश आने वाले पर्यटक ऋषिकुंड में स्नान जरूर करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एडवेंचर स्पोर्ट्स की। तो दोस्तों बंजी जंपिंग ऋषिकेश में बहुत फेमस है। वास्तव में ऋषिकेश को एडवेंचर का स्वर्ग माना जाता है। खतरों से खेलने का शौक रखने वालों के बीच यहां का बंजी जंपिंग सबसे अधिक लोकप्रिय है। जंपिंग हाइट्स की टीम बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स और विशाल झूलों जैसे विभिन्न एडवेंचर्स विकल्प देती है। आपको यहाँ पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और बंजी जंपिंग करने के लिए बस हिम्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका एक अलग ही आनंद होता है। बंजी जंपिंग स्पॉट मुख्य शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और यह आपके जीवन का सबसे रोमांचकारी अनुभव साबित हो सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को भी इसे जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में, जो कि शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर सिल्वन वन के बीच 1670 मीटर की स्थित है। यह भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है और ऋषिकेश में देखने के लिए सबसे अच्छे धार्मिक स्थलों में से एक है दोस्तों। यह मंदिर समुद्र मंथन की गाथा को दर्शाता है। मंदिर में एक ताजे पानी का झरना भी है, जिसमें भक्त स्नान करके मंदिर में पूजा करने जाते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों ऋषिकेश में होने वाली रिवर राफ्टिंग के बारे में। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आप कुछ हटकर आनंद लेना चाहते हैं, तो आप लोग ऋषिकेश में राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। ऋषिकेश में विशेष रूप से राफ्टिंग के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ कुछ सर्टिफाइड ऑपरेटर है जो राफ्टिंग के लिए अच्छी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं और ऋषिकेश में कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए अनुकूलित पैकेज भी है। यदि आप स्ट्रेस फ्री आउटिंग करना चाहते हैं, तो आपको भोजन, पानी और राफ्टिंग की व्यवस्था संचालकों द्वारा की जाती है। यदि आप स्वयं व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उसका भी विकल्प यहां पर मौजूद है। पीक सीजन में ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है दोस्तों को। बात हो जाए दोस्तों टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो यहाँ पर दोस्तों वशिष्ठ केव्स को कैसे भूला जा सकता है। दोस्तों वशिष्ठ गुफा एक प्राचीन गुफा है, जहाँ भगवान ब्रह्म के मानव पुत्र ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। कथाओं के अनुसार ऋषि अपने सभी बच्चों को खोने के बाद बेहद उदास थे और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला लिया, लेकिन गंगा नदी ने उन्हें मरने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने गुफा में रहने और ध्यान करने का फैसला लिया। गुफा में एक शिवलिंग है और इसे पुरुषोत्तमानंद सोसाइटी द्वारा रखा गया है। इस प्राचीन गुफा को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं। देश से ही नहीं दोस्तों, विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस पावन गुफा के, इस पावन धाम के दर्शन जरूर कर जाते हैं दोस्तों ऋषिकेश से। अब यहाँ पर बात हो जाए दोस्तों त्रिवेणी घाट की, जहाँ पर गए बिना ऋषिकेश की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है। इन नदियों को हिंदू धर्म में असाधारण रूप से पवित्र और शुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी घाट किनारे पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध होता है, सभी पापों, चिंताओं और भय से मुक्ति मिल जाती है। त्रिवेणी घाट गंगा नदी के किनारे एक भीड़भाड़ वाला घाट है,
जिसमें तीर्थयात्री चारों ओर स्नान करते हैं। इस घाट पर शाम की आरती के दौरान अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। जब आप ऋषिकेश घूमने आ जाएं, तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग जरूर लें और नदी में तैरते दीपकों के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, यह जगह बहुत ही पावन है मित्रों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बहुत ही आनंदमयी टूरिस्ट स्पॉट की, जो कि है दोस्तों लक्ष्मण झूला। दोस्तों, यह गंगा नदी के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है जो टिहरी गढ़वाल जिले के लदोवन और पीड़ी गढ़वाल जिले के बीच को जोड़ता है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश शहर के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरा पुल लोहे से बना हुआ है और यह 450 फीट लंबा है और गंगा नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऋषिकेश के पर्यटन स्थलों में लक्ष्मण झूला पर्यटकों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस स्थान पर गंगा नदी को पार किया था। पुल पर्यटकों को देखने के लिए बनाया गया है। लक्ष्मण झूले का निर्माण 1929 में किया गया था। लक्ष्मण झूले के आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों में 13 मंजिला मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और राम झूला आदि शामिल है। दोस्तों, यह तो थी दोस्तों ऋषिकेश के कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में जानकारी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आप लोग वहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ में क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ में दोस्तों प्रेस द बेल आइकन टू, बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन को दबाते हैं दोस्तों तो आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली अपने नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरी हर वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों और आप लोग उसे देखते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स अलॉट।